गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल की क्लास में यानी यस्टरडे हमने मालन्यूट्रिशन के बारे में जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इकोलॉजी एंड उसके असेसमेंट ऑफ मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो आज लेते हैं हम पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो कि मालन्यूट्रिशन का ही एक टाइप है जो काफ़ी मेजर और कॉमन है चाइल्डहुड में, जिसके कारण से काफ़ी डिसऑर्डर होते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हैज बीन आइडेंटिफाई ए मेजर पब्लिक प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है इन इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में। हम लेते हैं इसमें डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है। मालन्यूट्रिशन टाइप इट इज define the group of clinical conditions it may result refer to very of deficiency sense of protein protein and इट इज ए डिफाइन द ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस में हम इसको डायग्नोस करते हैं। इट इज रेफर्ड जो रिजल्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन या लैक ऑफ प्रोटीन एंड इनएडिक्यूट एनर्जी या कैलोरी की कमी के कारण होने वाला के कारण इसको कहते हैं इज कॉल्ड ऑफ पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। नेक्स्ट अटेम्प्ट में के जो इंसिडेंट्स है तो पीईएम का वो क्या होता है, द इंसिडेंट्स ऑफ द पीईएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन प्री स्कूल चालू यानी प्री स्कूल जो चिल्ड्रंस है जो इसमें 1-2% होता है। नेक्स्ट जो होता है ये मेजर ऑफ ग्रुप या लार्ज ऑफ ग्रुप 80% माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन माइल्ड एंड मॉडरेट विच फ्रीक्वेंसी को अंडर यूटिलाइज विच फ्रीक्वेंसी को अंडर अंडर यूटिलाइज सॉरी अंडर रिकॉग्नाइज्ड। तो ये इसका इंसिडेंस हो गया कि जो है ये 1-2% जो है प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनमें, और जो मेजर लार्ज ग्रुप है वो माइल्ड एंड मॉडरेट विच फ्रीक्वेंसी अंडर रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन में ये होता है। अब लेते हैं हम इसकी इटियोलॉजी ऑफ द पीएम यानी जो कारण है पीएम के, फर्स्ट है इनएडिक्वेट फूड यानी फूड की कमी इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी यानी क्वांटिटी और क्वालिटी के दौरान। नेक्स्ट इसमें जैसे इन्फेक्शन है जैसे एआरई डायरिया वोमिटिंग ये इस प्रकार के इन्फेक्शन है जो इसके कारण हमें
हाई लेवल पे जो न्यूट्रिशन डाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन में। एंड अब लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है इसको दो टॉपिक में बांटा गया है। पहला सीवेंटी या लेवल ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। दूसरा बेस्ड ऑन वेट एंड हाइट अकॉर्डिंग टू गिवन एज। सीवीटी एंड लेवल ऑफ डेफिशिएंसी, दूसरा बेस्ड ऑन हाइट वेट एंड हाइट अकॉर्डिंग टू गिवन एज। तो सीवीटी एंड लेवल ऑफ डेफिशिएंसी में कौन कौन से जैसे क्लासिफाई करते हैं, सिंड्रोम क्लासिफिकेशन है एंड इंटरनेशनल डेफिनेशन है, WHO क्लासिफिकेशन है एंड इंडियन एकेडमी जो है क्लासिफिकेशन है और जेलिफन क्लासिफिकेशन है, अनोर क्लासिफिकेशन एंड WHO एंड सिंड्रोम क्लासिफिकेशन, ये सभी क्लासिफिकेशन जो आते हैं लेवल ऑफ डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट अकॉर्डिंग टू गिवन एज। तो पहले लेते हैं हम सीवीटी यानी सिंड्रोम जो है कौन से क्लासिफिकेशन, सिंड्रोम क्लासिफिकेशन। जैसे कि सिंड्रोम क्लासिफिकेशन में इट इज ए टर्म ऑफ द मेडिकल साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड ये डिसऑर्डर, जो किसी डिजीज को और डिसऑर्डर को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि सिंड्रोम में क्वासिकोर डिजीज है, मेरास्मस है, प्री क्वासिकोस क्वासिकोर है एंड न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग है। तो ये जो डिजीज है जो सिंड्रोम क्लासिफाइड में आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाइड बाय टू अकॉर्डिंग टू FIE इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स, जो कि वेट फॉर एज पे अकॉर्डिंग टू वेट फॉर एज, वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग होती है। इसको क्लासिफाई किया है 80% व्हेन द चाइल्ड हैविंग वेट फॉर देन 80% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट और एज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, यानी जो सामान्य का जो वेट है उसको सामान्य में 80% काउंट किया गया है जो सामान्य से कम होता है, यानी सामान्य से कम यानी 80%। जैसे कि इसको ग्रेड दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट में 71 से 80%, नेक्स्ट ग्रेड सेकेंड में 61 से 70%, ग्रेड थर्ड जो रहेगा उसमें 51 से 60%, ग्रेड फोर्थ जो है 50%। तो ये ग्रेड इसमें लगे हैं वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अध्याय में क्लासिफिकेशन जो बोलते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन, ये भी वेट फॉर एज के अनुसार ही है। अकॉर्डिंग टू वेट फॉर एज, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन प्रोटीन एनर्जी ग्रेडेड विद रेफरेंस टू वेट परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड हार्डवेयर स्टैंडर्ड। इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन टैक्स ए वेट ऑफ 90% पे इसको किया गया है नॉर्मल वेट के अकॉर्डिंग। तो ग्रेड फर्स्ट वेट बिटवीन 75 to 90%, यानी 90% एक्सपेक्टेड फॉर एज। ग्रेड टू वेट बिटवीन 61 to 75% एक्सपेक्टेड फॉर द एज। ग्रेड थर्ड वेट लेस देन इक्वल टू 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर वेट ओवर एज।
ये क्लासिफिकेशन हो गया इसमें। नेक्स्ट आपके गोमेज क्लासिफिकेशन, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है WHO, WHO जो कि टर्म थी कंडीशन में थ्री टर्म्स क्लासिफिकेशन, थ्री टर्म पहला है स्टनिंग, थर्ड है वेस्टिंग। तीन टर्म्स थी, पहला है स्टनिंग अंडरवेट एंड थर्ड है सॉरी ये अंडरवेट। पहला स्टेनिंग, स्टेनिंग जो की है डिफाइन करते हैं इसको बिलो टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर मीडियन हाइट और एज, यानी टू स्टैंडर्ड में टू एचडी में डिफाइन करते हैं एचडी बिलो टू एचडी टू हाइट टू एज। नेक्स्ट जो करते हैं टू स्टैंडर्ड बिलो वेट टू एज, टू स्टैंडर्ड बिलो हाइट एंड वेट दोनों ही इंक्लूड होते हैं, वेट टू हाइट एंड वेट टू एज। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका थ्री, तीसरा WHO क्लासिफिकेशन। पहला तो क्लासिफिकेशन था सिंड्रोम क्लासिफिकेशन, दूसरा जो क्लासिफाई है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, थर्ड है गोमेज, फोर्थ है तो क्लासिफिकेशन WHO क्लासिफिकेशन। अब लेते हैं नेक्स्ट हम क्लिनिकल फीचर ऑफ द PEM, यानी प्रोटीन एनर्जी मॉन्यूट्रेशन के क्लिनिकल फीचर जो डिपेंड होते हैं ऑन सीवीटी या लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पे, जैसे कि दो क्लिनिकल फीचर से पहला है कवासकर कोर, थर्ड मेरास्मस, कवासकर मेरास्मस द्वारा 1933 में डिस्क्राइब किया गया था, और पार्टिकुलर टर्म जो है जो कॉन्ट्रीब्यूट की थी 135 कवासकर कोर 1935 में। कवासकर कोर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डॉक्टर किकले विलियमसन 1933 एंड पार्टिकुलर टर्म ऑफ कवासकर कोर 1935। द लोकल नाम ऑफ द कवासकर कोर इज है ना,
एंड द टर्म ऑफ सेम सेट इज रेनफॉल, क्योंकि जो कॉसिक और है वो एक एडिमेशन मॉलिट्रेशन से है, इसमें सूजन आ जाती है काफी पूरी बॉडी पे, तो इसको रेड बॉय के नाम से भी कहा जाता है। और इसका लोकल जो नाम है वो घना, एंड जो डॉक्टर कीकले है विलियमसन, सबसे पहले उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था 1983 में, और जो पार्टिकुलर प्रोड्यूस किया गया था 1935 में, और जिसका लोकल नाम है घना और रेड बॉय के नाम से भी जाना है। और इतना इसकी डेफिनेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, डाइट्री प्रोटीन, इट्स कॉल्ड कॉसिक, और इसको एडिमेटस मैलन्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अब इसमें जो पीएचडी फीसर्स है, जो एसेंशियल जो प्रोजेक्टिव जो फीसर्स है, इसको दो भागों डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल, तो एसेंशियल में कौन कौन से, एक तो रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ और वेट हाइट की जो रिटार्डेशन हो जाती है इसमें एसेंशियल फीचर्स में। नेक्स्ट जो मसल्स वेस्टिंग को है, यानी रिटेंशन ऑफ द सब यूनिट्स है। दूसरा है साइकोमोटर चैलेंज, जैसे कि मेंटल एपैथी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी एंड लेथार्जी, डलनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द सराउंडिंग, तो ये कंडीशन जो है साइकोमोटर यानी एसेंशियल फीचर्स में आती है। थर्ड जो है इसमें पिटिक एडिमा, एडिमा एडिमा जो है इसमें वो प्रीवियसली जो है लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होता है, लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है, फिर अपर, फिर ऑल बॉडी में ये पूरा बॉडी में फैल जाता है। जो फोर्थ है इसमें एडिमा के बाद नेक्स्ट है इसमें नॉन एसेंशियल फीचर, सबसे पहले है इसमें हेयर चेंजेस, स्किन खड़े, इन्फेक्शन, हेयर स्किन एंड स्पेशन। तो पहले हेयर में हेयर चेंज होते हैं, इसमें हेयर अलग अलग कलर्स में, कुछ डार्क कुछ व्हाइट एंड जो कंडीशन होती है एलोपेशिया टाइप्स कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पे फ्लेकी साइन होता है, फ्लेकी साइन क्या होता है, इसमें जो बाल है यानी हेयर है उसका जो कलर नीचे का थोड़ा सम लाइट डार्क होता है, और जो अपर पार्ट है वो काफ़ी डार्क होता है, इसको उसको साइन कहते हैं, उस साइन को क्या कहते हैं फ्लेकी साइन। नेक्स्ट होता है स्किन जेनेट, स्किन जेनेट में जो है इट इज इनिशियली एरिथ्रोमेटस, एरिथ्रोमेटस एंड हाइपरपिगमेंटेड, फर्स्ट स्टेज ऑफ द हाइपरपिगमेंटेड, देन लास्ट ऑफ द हाइपरपिगमेंटेड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लाइक ए ओल्ड, लाइक ओल्ड पैंट फ्लेकी, यानी ओल्ड पैंट फ्लेकी कंडीशन हो जाती है पूरी बॉडी पे, जो एक पैचेस के रूप में होते हैं हाइपर एंड हाइपोपिगमेंट पैचेस। नेक्स्ट इसमें इन्फेक्शन, जैसे कि सुपर एडेड जो इन्फेक्शन है, जैसे कि जी आई इन्फेक्शन, वोमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, कुछ इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेशन वगैरह, ये प्रॉब्लम सभी है जो जी आई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के द्वारा होती है। दूसरा ARI एंड ट्यूबरकुलोसिस जो कंडीशन है, ये ARI इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। थर्ड स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि सेप्टिसीमिया कंडीशन मैनेज, दिस इज ए नॉन एसेंशियल फीचर। एंड दैट कंप्लीट इज कॉसिक और टाइप्स डेफिनेशन एंड फीचर।
नेक्स्ट टॉपिक इज टुमारो. थैंक यू एवरीवन.